सबको दिखा दिया कंघी, बाल कंघी करते हुए उसके सर में। आप बार बार कमेंट कर रहे हो, अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आ रहा है तो आप मेरा वीडियो मत देखिए, कोई ज़रूरत नहीं वीडियो देखने की। लेकिन ऐसी रिक्वेस्ट, ऐसी डिमांड मत करिए कि अपने जुए लड़के के सर में जुए वाली कंघी मारी है, हमको दिखाइए, वीडियो में नहीं दिखाया जाता है। अगर आपको वीडियो नहीं अच्छा लग रहा है, आपको नहीं देखना है, तो आप वो कंघी अरे कंघी यार, मम यार से देखो वीडियो बना रहे हो यार, वीडियो ही अब तो बोला मुझे गया है। बार अब फिर मुझे ये अपने बार यहाँ पे इसको कोई बोल दूंगा कमेंट बुरा कर ना रहा है जाए। कि इसके बार बार कोई बोलता है, बार बार कमेंट करके परेशान कर दिया है कि अपने बेटे के सर में जुए वाली कंघी मारी है, हमको दिखाइए। तो हम लोग के जुआ नहीं है भाई, आपको हम बार बार बता चुके हैं कि जुआ नहीं है हम लोग के सर में, और हम मार नहीं सकते अपने बेटे को। आपके कहने से मारेंगे क्यों उसको? ये थोड़ा सा कंघी करके आपको दिखा दे रहे ये हैं, सब बस कुछ हो नहीं गया। है। हेलो एवरीवन, तो इधर चाय बन रही है और इधर सब्जी जो कि मैंने रात में बनाई थी, तो उसको मैं गरम कर रही हूँ। ये लोग यही ले जाएंगे बोल रहे थे, तो ये गरम कर दूंगी अच्छे से, तो खराब नहीं, खराब तो वैसे भी नहीं होगी, तो यही लेके जाएंगे, रोटी लेके जाएंगे। और अभी सुबह के बाद जो कि आप लोगों को दिखा दूँ मैं 7:45 होने वाला, घड़ी 5 मिनट आगे है, वही 7:40 हो रहा है, 6:40 सॉरी। तो यही है अभी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी बज रहे हैं 9:30, मैं नहा वहा चुकी हूँ, अभी मैं कपड़े डालने जा रही हूँ, तो मैंने थोड़ा सा छोटा सा सूट कर लेती हूँ। सब्जी जा रही हूँ बनाने, दोपहर की सब्जी बना रही हूँ। आज मैं तरोई में आलू डाल के बना रही हूँ, छोटे छोटे आलू रखे थे, तो 3-4 आलू मैंने कट किया हुआ है, तो वही डाल के बनाऊँगी। मतलब कि नॉर्मली कभी कभी मतलब आलू डाल के, एक टमाटर और आलू डाला था मैंने, अच्छी सब्जी बनी थी। और अभी लहसुन प्याज तो यूज नहीं हो रहा है, तो बस जीरे का तड़का लगा रही हूँ। हरी मिर्च नहीं, सूखी लाल मिर्च डाल रही हूँ, ऐसे ही 2 सूखी मिर्च बीज से तोड़ के डाल रही हूँ। और थोड़ा सा हल्दी पाउडर और आलू और तरोई डाल दिया मैंने इसमें। उसके बाद इसको भूनूंगी नहीं, बस इसमें मसाला डाल दूंगी, मसाला डाल के नमक डाल के इसको ढक के रख दूंगी, टमाटर कट करके डाल दूंगी, और ये पक जाएगी। उसके बाद मैं इसको दोबारा से चेक करूंगी, पक जाती बहुत जल्दी पक जाती। आलू भी इसमें वैसे ही डालिए तो भी वो भी जल्दी पक जाता है। तो टेस्टी सब्जी बनी थी, एक बार आप लोग ट्राई करिएगा, ज़रूर देखिएगा, अच्छी लगती है, इस तरीके से भी बना के देखिएगा, अच्छी लगेगी। हेलो एवरीवन, तो ये सब्जी मेरी बन चुकी है। आज मैंने इसमें आलू डाला था, मतलब ये छोटे छोटे आलू थे तो आलू डाले थे, और एक टमाटर कट करके डाला था। रोज खाली तरोई बनाती थी, तो आज मैंने इसमें आलू डाल दिया था वैसे ही। सब्जी मसाला डाला था, जीरे से तड़का लगाया। यहाँ पे सब्जी मेरी बन चुकी है, मैं यहाँ मतलब थोड़ा सा इस टाइम पे ऐसी कुछ बात से इमोशनल हो गई थी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा वॉइस देने में उस टाइम मतलब आवाज़ मेरी थोड़ा बहुत धीमी आ रही थी, तो उसको आप लोग माइंड मत करिएगा। सब्जी बन के तैयार हो चुकी है, चावल उधर दाल बन चुकी है, चावल रखूँगी, साफ करके रखी हूँ, तो आज के खाने में यही है। मेरा बन चुका है, अभी टाइम हो रहा है, 1:30 बज रहा है, मतलब बच्चे आने वाले हैं, तो इधर दाल है, अरहर की दाल,
इधर सब्जी है आलू और तोरी की सब्जी तरोई की, इधर रोटी बनाया है, ये चावल है, ये दूध बॉईल करके रखा है। तो खाना मेरा बन चुका है, अब बच्चे आएंगे सिर्फ उनको खाना है बस। डिलीशियस सब्जी है, सुपर डिलीशियस सब्जी, एक बार ट्राई करिएगा आप लोग। एवरीवन, तो अभी 3 बजने वाला है और यहाँ पे ये लोग आराम पे जुट चुके हैं। अभी ये लोग थोड़ी देर आराम करेंगे, एक आध घंटा स्कूल से आए हैं, उसके बाद फिर उठेंगे तो स्कूल का काम वगैरह करेंगे। इधर लक्ष्मण रेखा ऐसे कर देते हैं गोल गोल, तब खाना रखते, नहीं तो इतना चींटी आ जाती है, पूरे खाने में चींटी चढ़ जाती है। अभी मैं बर्तन वगैरह अभी सब वॉश करके रखी हूँ, धोई हूँ सारे बर्तन। बड़े बर्तन यहाँ नीचे रहते हैं, छोटे बर्तन मीडियम स्टैंड में ऊपर रहते हैं। इधर रखती हूँ इसलिए नीचे कि इसमें पानी गिर जाता है तब ऊपर रखती हूँ। गैस वगैरह सब साफ़ हो गई है तो सारा काम हो चुका है। 3 बज रहा है तो अभी मैं जा रही हूँ, मैं अभी थोड़ा सा आराम करूँगी, उसके बाद उठूँगी 4 बजे, 1 घंटा आराम करूँगी। क्या करें अभी, आज कितना बज रहा है, 5:30 बज रहा है। नैन्सी की चाय आ चुकी है, नैन्सी ने आज चाय लेट बनाया, पता नहीं क्यों लेट बनाई है। तो चाय आ चुकी है तो मैं चाय पीने जा रही हूँ, आप लोग भी पी लीजिए। नैन्सी की एक्सरसाइज चालू है, शाम टाइम नैन्सी एक्सरसाइज कर रही है। जेठालाल देख रही है तारक मेहता उल्टा चश्मा, जो कि फेवरेट है घर में सबका, वही चलता रहता है। मेरी थोड़ी सी चाय है, शाम को भी 6:30 बज रहा है। और ये मेरा फेवरेट चिप्स है, अंकल चिप्स, जो कि मैं इंजॉय कर रही हूँ, खा रही हूँ, आप लोग भी खा लीजिए, मेरा फेवरेट चिप्स है। जो भी मुझसे मिलने आइएगा, मेरे सब्सक्राइबर लोग जो भी मुझसे मिलने आइएगा, मेरे लिए चिप्स जरूर। हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। सुबह से ही स्वागत कर दिया है मैंने, अभी तो रात हो चुकी है। तो ये नैन्सी ने स्कूल के लिए बैग बनाया है, अपने हाथ से बनाया है। ये इनके मतलब कपड़े का नेट था ये, तो इसको मतलब कपड़ा अब नहीं पहनती थी तो इसको काट के इसमें लगा दी हैं, मतलब हाथ से ही सिली है, मशीन से नहीं सिली हैं, हाथ से अपने सिली हैं। कभी सिलाई उलाई करती नहीं, लेकिन तब भी बहुत अच्छा बनाया है, क्योंकि सिलना अभी इतनी छोटी है, कहाँ अभी सिलना उलना आ जाएगा। ये स्कूल में किस लिए मंगाया गया है, प्रैक्टिकल के लिए बैग बना के मंगाया गया है। तो ये हाथ से बनाई है, झोला टाइप है, तो यहाँ पे नेट लगाई है, शॉपिंग बैग है। और इधर ये फ्लावर बनाई है इसी नेट का ही, इसका तो ये ब्लाउज का पीस था मेरा, उसका बनाई है। ये भी ब्लाउज का पीस था, इसको मैं पहनती नहीं थी, और ये रेड वाला भी ब्लाउज का पीस ही काटी है, क्योंकि ये सब बहुत अजीब से कपड़े होते हैं तो पहनने में कम्फर्टेबल नहीं होते, तो मैं सिलाती नहीं इनको। और ये नेट का ही फ्लावर बनाई है जो कि इधर लगाई हैं, एक छोटा फ्लावर, ये इधर ये इसकी डोरी है, डोरी में भी नेट लगाई है, मतलब पहले उस पीस से वैसे ब्लू करी थी, फिर ऊपर से इसको मतलब इसमें सिली है बड़े बड़े तागे मार के। तो ये देख लीजिए आप लोग, पूरा बैग है इनका, कैरी बैग। ये थोड़ा सा ऐसे करके दिखाना रानी, ये देखिए पास से दिखाओ, पास से। ये बैग बनाई है, स्कूल लेके जाना है, बंडे को लेके जाना है, प्रैक्टिकल के लिए लेके जाना है। तो ये शॉपिंग बैग है, हाथ से बनाई है, आप लोग इसके लिए लाइक कर दीजिएगा नैन्सी के लिए। नैन्सी बहुत मेहनत से बनाई, क्योंकि सिलाई वगैरह तो कभी करती नहीं है, तो फिर यही है और कुछ नहीं है। हेलो, तो इधर मैं हूँ, जो कि आज मैं सुबह से नहीं दिखी थी, मेरा मूड थोड़ा सा ऑफ था, मेरी मतलब क्या बोलूँ, थोड़ा सा तबीयत ख़राब थी, क्या था कुछ पता नहीं। तो अभी मैं यहाँ पे हूँ, अभी कितना बज रहा है, 8 बजने वाला है, 7:30 हो रहा है, घड़ी 5-10 मिनट आगे रहती है, लोग के लिए आगे करके रखते हैं। तो अभी ये लोग मतलब सुबह में उठते नहीं है, आगे कर देते घड़ी, तब भी इन लोगों को पता चल जाता है, जल्दी उठते नहीं। तो अभी मैं क्या करूँगी, खाना अभी नहीं बनाना है, खाना रखा हुआ है बहुत सारा, लेफ्ट ओवर खाना रखा हुआ है। तो दिखा रहे हैं, यहाँ पे अंधेरा है, किचन की लाइट बंद है। तो सब्जी वगैरह ढेर सारी रखी हुई है, इधर सब्जी रखी है, नीचे दाल रखी है, चावल रखा है, रोटी रखी हुई है। रोटी तो गोलू के लिए बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये रोटी सुबह की दोपहर की नहीं खाएगा, दोपहर ही में बनाया था मैंने, लेकिन उसको ये नहीं खाएगा,
तो आज के ब्लॉग में बस नॉर्मली रोज ही रहता, कुछ खास नहीं रहता है, लेकिन पसंद आना चाहिए लोगों को। सोचती हूँ कि कुछ खास कुछ अच्छा करूँ जो लोगों को पसंद आए, लेकिन कभी कभी सोचती हूँ क्या खास करूँ, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो पसंद कर रहे हैं वीडियो को। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करिए, चैनल सब्सक्राइब कर दिया करिए, अंदर से एनर्जी मिलती है, हो जाती है तेरे बिना भी क्या जीना। तो यही सब है आज के ब्लॉग में। इन लोग का पढ़ाई लिखाई चल रहा है, पेपर चल रहे हैं, ओरल पेपर चल रहा है ना अभी? हाँ, अभी टेस्ट चल रहे हैं। 8 तारीख से इन लोग का हाफ ईयरली पेपर होगा, हाफ ईयरली एग्जाम होगा। 15 दिन भी चलेगा इस बार, बता रही 15 दिन चलेगा। तो वही ये लोग तैयारी कर रहे हैं अपना। और कुछ इस शाम का रूटीन बहुत मतलब नॉर्मली रहता है, रात का मैं रूटीन कुछ दिखाती नहीं, खाना वगैरह थोड़ा बहुत बनाती हूँ वो दिखा देती हूँ। तो फिर आज के वीडियो में बस यही है और कुछ नहीं है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अच्छा लग जाए ज़्यादा अच्छा लग जाए तो शेयर कर दीजिएगा। और रेसिपी कोई भी आप लोग को चाहिए, कोई भी रेसिपी चाहिए, आजकल तो मुझे नहीं लगता किसी को रेसिपी वगैरह कुछ चाहिए होती, क्योंकि हर कोई अपने आप में सहनसा है, हर कोई बना लेता है। हम हाउस वाइफ लोग हर चीज़ बना बना लेते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर कुछ अलग चाहिए हटके चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसको ज़रूर पूरा करने की कोशिश करूँगी। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में, एक अच्छी सुबह के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, भगवान सबका भला करे, अल्लाह सबका भला करे। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।